आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने पीडीएफ फाइल को लॉक करिए और फिर उसको अनलॉक करिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग साइट पे चलते हैं, ऑनलाइन साइट पे ये काम करेंगे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल। तो adobe.com पे इन एक्रोबेट ऑनलाइन पे जा कर के फाइल को सेलेक्ट करें। अब ये फाइल कोई भी हो सकती है जिसको हम सेलेक्ट करें। तो हमारे पास पीडीएफ फाइल होनी चाहिए जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो हम कोई भी पीडीएफ फाइल ले लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमने ये वाली ले ली, एस्टिमेट टोटल स्टोरेज ऑफ यूट्यूब। अब ये फाइल अपलोड हो जाएगी और पीडीएफ फाइल जो है इसका पासवर्ड आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो हम कुछ भी पासवर्ड इसका सेट कर देते हैं। अब वो बोला वीक पासवर्ड है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को तो केवल ये सीखना है कि कैसे करें। अब यहाँ पे हमने सेट पासवर्ड कर दिया। तो कुछ सेकंड में वो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। अब उस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। अब वो कह रहा आपको अगर दूसरी प्रोटेक्ट करनी हो तो प्रोटेक्ट कर लीजिए। तो हमें दूसरी नहीं करनी है, इसी को करना है। इसको डेस्कटॉप पे हमने सेव कर दिया। तो इस तरह से हमारी पीडीएफ फाइल प्रोटेक्टेड फाइल बन गई। अब हम लोगों को क्या करना है, उसी फाइल को मान लीजिए आप भूल जाते हैं कि क्या पास आपने डाला था, तो लॉस्ट माय पास करके साइट है, उस पर चले जाइए। तो ऑनलाइन आपके अनलॉक पीडीएफ हो जाएगी। अब उसी क्या करेंगे, उसी फाइल को ले आएंगे। तो उस फाइल को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, PDF password recovery, how to remove password from PDF, how to print a secure PDF। तो इतना काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। By clicking the checkbox, you are agreeing the term and condition। अगर आपको इसको use करना है तो इनकी term and condition use करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पहले चलते हैं free tool use करके देखते हैं कि लेगा कि नहीं। तो यहाँ पर unlock PDF किया हमने। For free PDF password removal, upload your file here and follow the instruction. अब यहाँ पे हमने क्लिक किया और उस फाइल को ले आएंगे जो हमने अभी डेस्कटॉप पे सेव की थी। तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं, इस पीसी के डेस्कटॉप पे चले और अभी जो पीडीएफ फाइल बनाई थी उसको ले आए। जब हम उसको ले आएंगे तो यहाँ कहेगा अनलॉक द फाइल। तो फाइल को अनलॉक किया हमने और तो ये देखिए, प्रोवाइड द पासवर्ड टू एस्टिमेट टोटल स्टोरेज कैपेसिटी फॉर ऑल वीडियो ऑन यूट्यूब। यही फाइल थी ना जिसको हम लोग ने किया था, मैक्सिमम अपलोड ऑफ फाइल साइज इज 100 MB। और ये आ गई, अब ये फाइल अनलॉक हो गई आपकी। अब यहाँ से आप चाहिए तो पासवर्ड हटा भी सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं और सिक्योर भी कर सकते हैं। तो अनलॉक फाइल करा हमने। जब आई डोंट नो द पासवर्ड, अब यहाँ पे पासवर्ड हमें नहीं पता है तो ये भी बता देगा कि आपका पासवर्ड क्या है। आपका अनलॉक कर दी फाइल। अब पासवर्ड हम पूछ रहे हैं उससे तो वो 2 मिनट लगाएगा और बता देगा कि आपका क्या पासवर्ड है। तो 2 मिनट अभी लगाएगा, वो बोल रहा है कि इट्स रिमेनिंग 2 मिनट। तो थोड़ा सी उसको पासवर्ड फाइंड आउट करने में, क्योंकि पासवर्ड के बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो रिकवर करते हैं पासवर्ड, वो रिकवर कर रहा है।
तो इस तरह से अगर आपकी कोई बहुत इम्पोर्टेंट पीडीएफ फाइल है और आप पासवर्ड भूल गए तो अपने पासवर्ड को रिकवर करके आप अपनी इम्पोर्टेंट फाइल को रिकवर कर सकते हैं। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लॉस्ट नहीं होगा और आप अपने डॉक्यूमेंट को यूज़ कर पाइएगा। मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ली हो और उसका डॉक्यूमेंट आपके पास आया और आप उसका पासवर्ड नहीं जानते, तो इस तरह से आप पासवर्ड फाइंड आउट करके उस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को रिकवर करके आप उसको देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी कई ऐसी फाइल थी जो हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे और बहुत इम्पॉर्टेंट थी, तो यहाँ पर आकर आप उसके पासवर्ड को रिट्रीव करिए और अपने अकाउंट्स के काम को या और भी जो भी काम आपका इम्पॉर्टेंट था उसको करिए और फाइल को रिकवर करिए। अभी वो एक मिनट और बोल रहा है, एक मिनट और लगाएगा, सो यू हैव टू बेयर विथ मी। हमारे साथ आपको भी देखना पड़ेगा। ये आ गया आपका, ये देखिए आपका पासवर्ड रिकवर हो गया। कंटिन्यू विथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिकवरी। अब यहाँ पर अगर आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो उसकी रिकवरी आप कर सकते हैं। वो कह रहा आप अपना ईमेल दीजिए तो हम आपका पासवर्ड आपको भेज देंगे। यहाँ पे जब आप ईमेल दे दीजिएगा, वेरीफाई कर दीजिएगा, तो आपका पासवर्ड आपको देगा। ऐसे नहीं दे देगा कि कोई भी आपका पीडीएफ इस तरह से पासवर्ड लेकर के रिकवर करके अपने पास रख ले। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिकवरी का देखिए पे ऑन सक्सेस 2900 रुपया लेता है वो। तो इस तरह से आप अपने पासवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने काम को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर। थैंक यू। फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक और जॉइन माय कम्युनिटी एंड आंसर देयर ऑन पोल। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।